आस्था का प्रतीक बाबा बर्फानी की यात्रा। जी हाँ, अमरनाथ जी की यात्रा जो है उसके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जो है आज जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश में शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं, भक्तजन पहुंचना शुरू हो गए हैं, और भक्तजन जो है यही कामना कर रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करवा कर जो है भोले बाबा के दर्शन जो है इस बार शांतिपूर्वक करेंगे। और इस बार की जो यात्रा है वो 62 दिनों तक चलेगी। 1 जुलाई से शुरू हो रही श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर प्रदेश में 20 बैंक ब्रांचेस में ऑफलाइन यात्री पंजीकरण किया जा रहा है। वहीं देश भर में ऐसे 542 बैंक ब्रांचेस में ये प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। प्रदेश में सबसे अधिक जिला जम्मू में 6 बैंक ब्रांचेस चिन्हित की गई हैं। इसके अलावा डोडा कठुआ में 2-2 ब्रांचेस, राजौरी पुंछ में 1-1, रियासी में 2, श्रीनगर उधमपुर में 1-1, सांबा में 2 और रामबन में 2 बैंक ब्रांचेस में यात्री पंजीकरण करवा सकते हैं। यात्री पंजीकरण के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के विभिन्न अस्पतालों में 164 डॉक्टर्स नॉमिनेट किए गए हैं। इसमें जम्मू और कश्मीर संभाग में 82 डॉक्टर हैं। मेरा नाम दिव्या शर्मा है, मैं ग्रेटर क्लास से हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही जा रहे हैं। पिछले साल भी गए थे और तब भी बालटाल रूट से ही गए थे। इस बार भी वहीं की करवाई है, फर्स्ट डे की रजिस्ट्रेशन करवाई है। बहुत एक्साइटेड हैं और खुश हैं कि हम जा रहे हैं और बाबा बर्फानी की कृपा रहे तो हर साल जाएंगे। पिछली बार यही जब पहली बार गए थे तब यही सोचा था कि अब हर साल ही जाएंगे, तो उनकी कृपा है कि इस बार भी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। हम बिल्वाष्टकम जब पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है त्रिदलम त्रिगुण कारम त्रिनेत्र चतिधारतम त्रिजनम पाप सहारम एक विल पत्र शिव अर्पणम। शिव जी पे एक विल पत्र भी अगर आप अर्पण कर दो तो आपके 3 जन्म के पाप जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। और मुझे लगता है हर श्रद्धालु का यही होता है कि एक विल पत्र उनकी तरफ से शिव जी पे अर्पित हो जाए। बस उसी आस से जाते हैं सब और हम भी उसी आस से जा रहे हैं। थैंक यू। और इस बार यात्रा जो है 62 दिनों की है, और क्या कहना चाहेंगे सुविधाओं को लेकर, क्या कहना चाहते हैं इंतजाम को लेकर, क्या इस बार यात्रा लंबी की गई है जिससे मैक्सिमम जो श्रद्धालु हैं उन्हें जाने का मौका मिलेगा। इस वक्त पीएनबी बैंक के चीफ मैनेजर मेरे साथ हैं, आइए इन्हें से जाने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलशन न्यूज में। धन्यवाद जी। सर, जैसे कि अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जो पंजीकरण आज से शुरू हुआ है और पीएनबी, यस बैंक, जेके बैंक और SBI बैंक में जो है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है आज से शुरू होगा, ना केवल जम्मू कश्मीर के बल्कि पूरे देश भर में, तो किस तरह का उत्साह यहाँ पर भक्तों में देखने को मिल रहा है जो रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं? जहाँ तक भक्तों का उत्साह की बात है, सुबह से रजिस्ट्रेशन से पता चलता है कि 25 से 30 की रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुकी है और अभी भी एप्लीकेशन इन क्यू में खड़ी है। जहाँ तक PNB का ताल्लुक है, 316 ब्रांचें अक्रॉस द इंडिया आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ सकती है। पर डे क्या प्रोसेस है, पर डे में कितनी जो है रजिस्ट्रेशन एक बैंक में की जाएंगी? बैंक वाइज तो कह नहीं सकता, लेकिन ब्रांच वाइज जो है वो कोटा निर्धारित किया गया है। मैं अपनी ब्रांच की बात करूंगा तो 30 पर डे की रजिस्ट्रेशन मेरी ब्रांच को कोटा निर्धारित किया गया है, जो कि 15 जो है बालटाल के जरिए होंगी और 15 पहलगाम के रूट के जरिए होंगी। इस बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी है इस यात्रा के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए? बहुत सिंपलीफाइड है जी, एप्लीकेशन के साथ हेल्थ सर्टिफिकेट जो कि ऑथराइज्ड हॉस्पिटल के द्वारा इशू किया जाएगा, और पर्सनली आकर के आधार ऑथेंटिकेट करके 120 रुपया नॉमिनल फीस जमा होगी और रजिस्ट्रेशन स्लिप उनको हैंड ओवर की जाएगी। रोजाना जो भक्तजन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने आएंगे उनके लिए क्या टाइम रहेगा, किस टाइम वो आ सकते हैं? टाइमिंग जो बैंकिंग बिजनेस का जो टाइम है उस टाइम के दौरान कभी भी वो आ सकते हैं और कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन करा करके यात्री स्लिप लेकर के जा सकते हैं। और जैसे एक दिन में आपने 30 जो है वो स्लिप्स काट ली, तो क्या 31 को जो है लो किया जाएगा? 30 स्लिप जो एक दिन की, मीन्स ये है कि अगर 1 जुलाई का जो कोटा है वो 30 का है, आज जो रजिस्ट्रेशन कराने आएगा वो मे बी 2 जुलाई या 3 जुलाई का भी होगा,
तो इस तरह के 1 जुलाई से लेके 31 अगस्त के बीच किसी भी डेट का यात्री हो सकता है। बिल्कुल, मैं पिछले 5 सालों से लगातार आ रहा हूँ और पिछले 3 साल तो लगातार गया, 2 साल कोविड की वजह से नहीं गए थे क्योंकि उस वक्त मना किया गया था। तो आज हम बहुत खुश हैं और इस दिन का हमें इंतजार रहता है कि बाबा बर्फानी की जाने के जो रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया कब स्टार्ट हो, तो आज वो दिन आया है, हम यहाँ आ गए हैं और जो भी प्रक्रिया गवर्नमेंट की थी, मेडिकल कराना था, 2 फॉर्मेट होते वो हम आए यहाँ और बैंक वालों ने भी बड़ा अच्छा वो हमें कॉपरेट किया है, इसके लिए हम इनके बड़े शुक्रगुजार हैं। तो इस बार जो 62 दिन की है, ये आपको पता है कि कश्मीर के जब से हालात ख़राब हुए तब से इतनी लंबी यात्रा नहीं थी, पहली बार है। इसका भी हम आभार करते हैं गवर्नमेंट का कि और मतलब पूरे मुल्क भर के श्रद्धालुओं को हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, आइए बाबा के दर्शन कीजिए। इसके साथ साथ ही आपको पता है कुछ लोग जो इसके साथ अपना व्यवसाय कारोबार चलाते, चाहे वो घोड़े वाला हो, पोनी वाला हो, जो भी जो दुकानदार हो या जो कोई प्रसाद बेचता हो, उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। उनको भी इस दिन का इंतजार रहता है कि रजिस्ट्रेशन कब हो जाए और बाबा बर्फानी के यहाँ दर्शन कब आएंगे लोग। तो हम चाहते हैं कि सबके लिए अच्छा रहे, सबके लिए मनोकामना पूरी हो जाए और जिसकी भी मन करे वो आइए और रजिस्ट्रेशन करिए और दर्शन करिए। 62 दिनों की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है वो आज से शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि शिव भक्तों में उत्साह की कमी नहीं है। हर कोई जो है भोले बाबा के दर्शनों के लिए, अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के लिए जाना चाहता है। और गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है पुख्ता इंतजाम किए, हर तरह की फैसिलिटी देने का दावा किया जा रहा है। और भोले भक्तों की बात करें वो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है भोले बाबा के दर्शनों के लिए जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं ताकि उनका नंबर आए और वो भी जो है भोले बाबा के दर्शन कर सके। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।